नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चलेंगे हरिद्वार के एक और नए घाट में और देखेंगे कि इस घाट में क्या क्या खास है। जिस घाट में हम जा रहे हैं, ये घाट हरिद्वार का नया घाट है जिसका नाम है ओम घाट। ओम घाट शंकराचार्य चौक के पास स्थित है। अब हम घाट तक पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ओम घाट अपने नाम की तरह ही सुंदर घाट है। अब हम ओम घाट तक पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये ओम घाट है। इस घाट में बने हुए ब्रिज को देख सकते हैं। ओम के आकार का ये ब्रिज इस घाट का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर लोकल लोगों के साथ साथ बाहरी पर्यटक भी आते हैं। दोस्तों, ओम ब्रिज का दूसरा नाम सिग्नेचर ब्रिज भी है। इस सुंदर ब्रिज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है। यह हरिद्वार के नवीनतम घाटों में से एक है। इस घाट पर अभी ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस घाट की जानकारी नहीं है। इस घाट का शांत माहौल इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। इस घाट पर बैठकर गंगा जल की कलकल करती हुई आवाज को सुना जा सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं आगे और घाट को देखते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी घाट के बगल में एक और घाट है जिसे अलकनंदा घाट के नाम से जाना जाता है। वह बहुत पुराना घाट है जो कि बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल में हरिद्वार, ऋषिकेश, चार धाम यात्रा की जानकारी वाली वीडियो मिलती रहती हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। हरिद्वार, ऋषिकेश, चार धाम यात्रा की छोटी छोटी जानकारी मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार आ रहे हैं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद इस घाट को हाईवे से साफ देखा जा सकता है, क्योंकि हाईवे से घाट तक की दूरी 100 मीटर ही है। आप देख सकते हैं इस घाट पर सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है। अच्छी क्वालिटी की स्टील की रेलिंग लगाई गई है ताकि आप सुरक्षित स्नान कर सकें। इस घाट में सुबह के समय बहुत सारे लोग आते हैं और माँ गंगे के दर्शन के साथ साथ योगा भी करते हैं। आप देख सकते हैं इस पुल का निर्माण एक अच्छी तकनीकी के साथ किया गया है। इस ब्रिज का सारा वजन इन तारों ने उठा रखा है। इस ब्रिज में नीचे की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसे दूसरी भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि ओम के सहारे ये ब्रिज बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये ओम शब्द में जो तार निकले हुए हैं, इन्हीं तारों ने ये पूरा ब्रिज उठा रखा है। नीचे की तरफ से कोई भी सहारे के लिए कोई भी खंभा या कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं आगे और इसी घाट के बगल में बने अलकनंदा घाट को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये अलकनंदा घाट है। इस स्थान से पहले तक ओम घाट है
और इस स्थान से आगे का अलकनंदा घाट है, ये भी बहुत सुंदर घाट है, ये बहुत ही पुराना घाट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर मनसा माता मंदिर को साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर अलकनंदा होटल को देख सकते हैं, यह होटल की बैक साइड की वीडियो है, इस होटल का फ्रंट साइड हाईवे की तरफ है। यह होटल पहले उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत था, लेकिन लगभग 2 वर्षों से इसे उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया गया है। अलकनंदा होटल हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओम घाट तक कैसे पहुँचे, तो यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल ही आसान है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ओम घाट तक की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, आप ऑटो के द्वारा आ सकते हैं। अगर आप हर की पौड़ी में हैं तो भी आप 15 मिनट में यहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऑटो बुक करेंगे और ऑटो को ये बोलेंगे कि ओम घाट तक जाना है तो वो आपको यहां तक लाके छोड़ देगा। अगर आप हर की पौड़ी में हैं तो आपको दिल्ली की तरफ लगभग 2.5 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद आपको दाहिने ये दिख जाएगा, ये हाईवे से नज़र आता है ओम घाट, आप वहाँ से इस घाट पर आ सकते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें ताकि इस नए घाट की जानकारी सभी को हो सके। हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।